हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली टू बनारस। मैंने बुक करी है वंदे भारत एक्सप्रेस में अपनी टिकट, और मेरे को ये टिकट की कॉस्ट पड़ी है 3500 जो कि मैंने बुक करी है एग्जीक्यूटिव क्लास में। और चलिए दिखाते हैं कि अपनी जर्नी क्या सुविधाएँ मिलती है वंदे भारत एक्सप्रेस में। मैंने बुक करी है कैब, ट्रेन है 3 बजे। हम निकलते हैं घर से और आपको दिखाते हैं अपनी जर्नी, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 3 बजे, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले पहुंच गया हूं मैं, थोड़ा लेट सी, एक्सप्लोर करते हैं जगह को, कुछ खाने पीने चलते हैं। आज वैसे भीड़ नॉर्मल है, ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। वैसे यूजुअली यहां पे बहुत काफ़ी भीड़ रहती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये एक आउटलेट है जहाँ पे काफ़ी सारे खाने के आउटलेट्स हैं, KFC, हल्दीराम, मैकडी आई बिलीव। चेक करते हैं मैकडी है या नहीं। वैसे मैं सोच रहा था ट्रेन 3 बजे है तो मैं कुछ खा लेता हूँ पहले, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। पास में मेट्रो स्टेशन है और ये ट्रिपल लेवल पार्किंग है। टाइम से पहले पहुंच गया हूं मैं, मेरी ट्रेन 3 बजे है और धूप काफ़ी है आज, तो अंदर चलते हैं, थोड़ी एसी में राहत मिलेगी। कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं पहले, देन विल। तो मैं खड़ा हूं इस वक्त भारत की राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास, और मेरी ट्रेन है यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 15 बजे मतलब 3 बजे से प्लेटफॉर्म नंबर 12 से खुलने वाली है। मैं जा रहा हूँ बनारस और ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है, और आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स और अच्छे अच्छे ट्रैवल वीडियोज़ डालते रहेंगे। मेरी टिकट है वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास, ट्रेन नंबर है 22416 जो 3 बजे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन 12 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल के बनारस पहुँचाएगी करीब रात की 11 बजे, और बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या कुछ अंदर सुविधाएं मिलती है। मैं पहले भी एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ, सो लेट्स सी कि इस बार क्या चेंजेस रहते हैं अंदर, और आई एम एक्साइटेड, लेट्स गो इनसाइड। ये आपको एक बार और दिखा देते हैं, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज बहुत शांति है, आज लोग कम आए हैं, आई डोंट नो, आज जैसे भी गुरुवार का दिन है, तो चलते हैं अंदर। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, काफ़ी साफ सुथरा है, लोग भी कम हैं आज और धूप काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कहाँ है टैक्सीज, एक्सट्रीम लेवल पार्किंग, और कैब ड्राइवर्स वगैरह खड़े बाहर। पास में ही मेट्रो स्टेशन है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे, और
यहाँ पे सामने खड़ी है नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी, ये देखिए ट्रेन है हमारी 3 बजे के करीब, और अभी जो ट्रेन बन के चलेगी यहाँ से वो अभी आई भी नहीं है बनारस दिल्ली, उसका टाइम यहाँ पे 2 बजे है और 1 घंटे बाद वो यहीं से 3 बजे खुलती है बनारस के लिए। टाइम हो चुका है 2:45 और अभी तक हमारी बोर्डिंग नहीं हुई है, सामने ट्रेन खड़ी है, साफ सफाई का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी थोड़ी सी भीड़ है, हम आराम से चलेंगे, फिर करते हैं अंदर एक्सप्लोर, दिखाते हैं आपको कैसी है सुविधा अंदर। कोच नंबर E1 एग्जीक्यूटिव क्लास, वैसे इसमें 8 चेयर कार कोचेज है और 2 एग्जीक्यूटिव कोचेज हैं। अंदर से 50,000 मेरा सीट है 41, लेट्स सी कहाँ पे है, देख सकते हैं आप बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, हम अपने एग्जीक्यूटिव क्लास कोच E1 के अंदर बैठ चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर से बाहर करना चाहता हूँ। समय हो रहा है 3:03 और ये ट्रेन खुल चुकी है, 3 मिनट लेट है।
फ्लाइंग शुरू होते ही हमें दिया गया ये गुलाब का फूल। आपकी सुविधा के लिए चेयर कार कोच भी सीट के नीचे और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच भी आप सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट दिए गए। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है, अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है। भाई साहब कितनी लंबी रेलगाड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये मैंने चाय बना लिया है, यहाँ पे पाउडर टी मिल रही थी, वो शिट अभी ये गिर जाता बिल्कुल। ये है वॉशरूम, हैंड ड्रायर इज वर्किंग फाइन, टाइम हो रहा है 6:07 और हमें साथ दिया गया है ये नूर का सूप, मंचाओ वेज। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है ये। बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ट्रेन हमारी कानपुर क्रॉस कर चुकी है और खाना सर्व किया गया है, आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। मदर डेयरी का दही है आई बिलीव, और इज इट आइसक्रीम, दिस मस्ट बी पराठा, थोड़ा गर्म है। और
ट्रेन हमारी प्रयागराज क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन हमारी बनारस स्टेशन पहुंच चुकी है और ये 10 मिनट लेट पहुंची है। देख सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ पे। ये सामने खड़ी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है 11:18 और हम बनारस रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये खड़ी हमारी ट्रेन। इट वॉज क्वाइट अ VIP जर्नी और बहुत अच्छा लगा। कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलता रहा और द कम्फर्ट वॉज ग्रेट थैंक्स टू आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये ट्रेन चलाया है। और क्या खूब ट्रेन है यार। इंडियन रेलवे सल्यूट यार। तो चलो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर so that I will get the motivation to create more and travel more.